और अलवर के खैरथल जिले के भिवाड़ी में गंदे पानी की निकासी को लेकर राजस्थान और हरियाणा पुलिस आपस में भिड़ गई। इस दौरान हरियाणा पुलिस का एएसआई रविकांत दबंगई पर उतर आया। उसने नाकाबंदी के लिए लगाई गई कुर्सियों को भी पटक दिया और वहां मौजूद लोगों के साथ भी बदसलूकी की। ये है हरियाणा पुलिस के धारूहेड़ा थाने में तैनात कांस्टेबल रविकांत, जो राजस्थान पुलिस के साथ साथ मौके पर मौजूद लोगों से भी बदसलूकी कर रहे हैं। पहले कैमरे में कैद उनकी दबंगई को दिखाते हैं और उसके बाद बताएंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है। कांस्टेबल रविकांत की दबंगई उस वक्त पेश आई है जब राजस्थान और हरियाणा पुलिस की भिवाड़ी बाईपास पर भरे गंदे पानी को लेकर बहस हो रही। अवैध कब्जा है ना, अवैध है ना, अरे बंद कर रहे हो ना, फिर मुकदमा कर दो, फिर कुछ कौन करोगे तुम करने वाले हो रहे दो और हो जाएंगे क्यों इसी बीच रविकांत बेकाबू हो गए और कुर्सियों को लात मार कर फेंकते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, राजस्थान पुलिस ने नेशनल हाईवे 919 पर वाहनों को बाईपास से डायवर्जन के लिए जो बैरिकेड्स लगाए थे उन्हें भी हटा दिया। आप सड़क पे खड़े हो, पर दबंगई का आलम ये था कि कांस्टेबल रविकांत राजस्थान पुलिस के साथ साथ वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से भी बदतमीजी करते दिखाई दिए। जब उनका विरोध किया गया तो कांस्टेबल रविकांत मीडिया कर्मियों से भी लड़ने के लिए तैयार दिखे। हमसे कुछ नहीं कह सकते आप, उनसे कुछ ही बोलो आप, प्रशासन से बात कीजिए, प्रशासन से बात कीजिए, हमारा काम उन्होंने काम कर रहे हैं। भिवाड़ी पुलिस के जवानों ने इसकी सूचना तुरंत ही उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद यूआईटी थाना अधिकारी सचिन शर्मा मौके के लिए रवाना हुए। आरोप है कि हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल रविकांत ने उनसे भी बदसलूकी की, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला को जानकारी दी गई। हालात तनावपूर्ण तब तक बन चुके थे। आपको बताते चले कि भिवाड़ी बाईपास पर पिछले 8 महीने से जल भराव की समस्या है। आरोप है कि हरियाणा प्रशासन ने भिवाड़ी की कंपनियों से निकलने वाले गंदे पानी को बॉर्डर पर रैंप बनाकर रोक दिया, जिसके चलते ये समस्या पेश हो रही। लेकिन बुधवार दोपहर को गंदे पानी को लेकर राजस्थान और हरियाणा पुलिस आमने सामने आ गई। अलवर से राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान।